गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश जीके की क्लास रहेगी, और ये जितना भी हिमाचल प्रदेश जीके का सेक्शन रहेगा वो सारा का सारा जगमोहन बलोखरा की बुक पे बेस्ड होगा। और ये उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो चाहे लो लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उन सभी के लिए ये क्लास जो है, या ये जो जीके सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसी ही वीडियोस के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हिमाचल प्रदेश का भूगोलिक परिचय, जियोग्राफिकल फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस क्लास में हम थी कैसे हुई, साथ ही साथ हम हिमालय के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, और आज साथ ही साथ हम ग्लेशियर के बारे में भी बात करने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है भूगोलिक परिचय, ठीक है, जिसमें हिमाचल जो शब्द है, जो हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल पड़ा, उसमें जो हिमाचल शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, हिमाचल शब्द संस्कृत के दो शब्द हिम प्लस अचल की संधि से बना है, जिसमें हिम का अर्थ बर्फ और अचल का अर्थ क्या, पर्वत है, ठीक है। हिम का अर्थ जो होता है वो बर्फ, और अचल का अर्थ क्या है, पर्वत। तो इस प्रकार से हम बर्फ के पर्वत को ही हिमाचल कहते हैं, ठीक है, मतलब बर्फ का जो पर्वत है उसी को हिमाचल कहते हैं, क्योंकि हिमाचल जो है वो हिमालय में, हिमालय के अंतर्गत आता है। तो हिमालय में क्या है कि भाई बर्फ पड़ी रहती है, इसीलिए जो है बर्फ के पर्वत है, तो बर्फ के पर्वत को हिमाचल कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये भारत के देवादि देव शिव का ससुराल है, शिव जी भगवान शिव का ससुराल है, और कृष्ण भगवान ने हिमालय पर्वत को अपना स्वरूप माना है। हिमालय की बात हो रही है, ठीक है, हिमालय जो है वो शिव जी का ससुराल माना गया है, और कृष्ण भगवान ने हिमालय पर्वत को अपना स्वरूप माना है। स्वरूप मतलब कि जो हिमालय पर्वत है वो विष्णु की आकृति, मतलब कृष्ण भगवान की जैसे दिखता है, ठीक है। ये अगली बात करें अगर इसमें हिमालय के बारे में, तो जो हिमालय पर्वत है वो कश्मीर घाटी से लेकर बर्मा तक, ठीक है, फैला हुआ है, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमायूं जो कि उत्तराखंड में है, नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान, नागालैंड, असम आदि क्षेत्रों में 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक चौड़ा तथा 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ। तो अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, किसकी, हिमालय की, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। अगर लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो लेंथ जो है इसकी वो 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है हिमालय पश्चिम में नागा पर्वत, कहाँ पे, पश्चिम, वेस्ट की बात हो रही है, नागा पर्वत तथा पूर्व ईस्ट में नमचा वरवा शिखरों, ये भी एक पर्वत का नाम है, नागा पर्वत, नागा भी एक पर्वत का नाम है और नमचा वरवा जो है वो भी पर्वत का नाम है। तो बोला है कि हिमालय पश्चिम में नागा पर्वत तथा पूर्व नमचा वरवा शिखरों के मध्य एक उन्नतोदर चाप की आकृति धारण करता है। उन्नतोदर चाप क्या होता है, एलिवेटर आर्क, ठीक है, उसकी आकृति मतलब उसकी शेप बनाता है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में, नागा पर्वत और नमचा वरवा के बीच में। अगली बात, अगली लाइन क्या है, हिमालय के पश्चिमी एवं पूर्वी छोरों पर मुड़े हुए घुटनों की भांति तीखे मोड़ दिखाई देते हैं, किस, कहाँ पे, पश्चिमी और पूर्वी एजेस पे, ईस्ट और वेस्ट एजेस पे जो है वो मुड़े हुए जो घुटने के आकार के जैसे वहां पे क्या दिखाई देते हैं, मोड़ दिखाई देते हैं, ठीक है, जिन्हें क्रमशः कश्मीर एवं असम सिंटेक्सिस कहा जाता है, मतलब क्रमशः लगा हुआ है, दैट मीन्स कि पश्चिमी छोर पे जो ये मोड़ है उनको बोला जाता है कश्मीर सिंटेक्सिस, और पूर्वी छोर पर जो मोड़ है उन्हें बोला जाता है असम सिंटेक्सिस, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, जो वेस्ट एजेस पे है वो कश्मीर सिंटेक्सिस, और जो ईस्ट एजेस पे है उनको बोला जाता है असम सिंटेक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय से प्रवाहित होने वाली अधिकतर प्रमुख नदियां हैं सिंधु, सतलुज, गंडक, अरुण, कोशी, कर्णाली, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सारी नदियां जो है वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय के पार तिब्बत पठार से निकल हिमालय की श्रेणियों के आर पार क्रॉस में प्रवाहित होती है, ठीक है, अर्थात ये पूर्ववर्ती
प्रवाह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एंटीस्टेंटिनेज बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। और ये मुख्य हिमालय में 2000 से 4000 मीटर तक गहरी खाइयां बनाती है, ठीक है। नदियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बस इनका नाम ध्यान में रखना है, कौन कौन सी नदियां हिमालय के उसमें से निकलती है, ठीक है। और अधिकतर ऊंची चोटियां जो सबसे ऊंची चोटियां, जैसे कि एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मालू धौलागिरी हो गया, ये आपका पक नहीं होगा, यहाँ पे पूर्वी हिमालय होगा। क्या होगा यहाँ पे? पूर्वी हिमालय होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्वी हिमालय, ठीक है। हिमालय में मिलती है, मतलब जो मैक्सिमम जो आपकी हाईएस्ट पीक्स है, लाइक एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मालू मालू धौलागिरी हो गया, ये सारी की सारी आपकी कौन सी उसमें मिलती है? ये मिलती है आपकी पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिमालय के बारे में आपका परिचय मान लीजिए, इसको इंट्रोडक्शन मान लीजिए, ठीक है। इसमें आपने कुछ एक की पॉइंट है, जैसे हिमाचल शब्द है, हिम का अर्थ, अचल का अर्थ क्या है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये जो आपके एजेस वाली बात है, इनको थोड़ा सा आप डीपली, ये डीप ही है, इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से की पॉइंट बना के नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला है हिमालय के उद्भव विकास को समझने के लिए तृतीयक कल्प, टर्शरी इरा, ठीक है। टर्शरी एरा के पहले की दशा पर ध्यान अनिवार्य है। इस कल्प के प्रारंभ होने से पूर्व 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है, हिमालय के स्थान पर एक लंबा संकरा जलमग्न क्षेत्र था जिसे तेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मतलब हिमालय के बनने से पहले जो था वहां पे एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर रखा गया था, ठीक है। तेथिस सागर पड़ा था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तेथिस सागर के उत्तर एवं दक्षिण की ओर क्रमशः अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के दृढ़ भूखंड थे, ठीक है। जो उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर में अंगारा लैंड, ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में गोंडवाना लैंड के दृढ़ भूखंड थे, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय में विंध्य श्रेणी में मिलने वाली चट्टानों के समकालीन चूना पत्थर एवं क्वार्टजाइट की प्रचुरता मिलती है, ठीक है। मतलब चूना पत्थर और क्वार्टजाइट जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है विंध्य श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में ही प्रारंभ हो गया था, का जब कार्बोनिफेरस युग जो स्टार्ट हुआ था उसमें ही गोंडवाना लैंड का जो था वो विखंडन विखंडन मतलब टूटना स्टार्ट हो गया था। इसके चलते थीथिस सागर में निक्षेपित अवसाद पर तीव्र दबाव पड़ा और वह विलित होकर हिमालय श्रेणी के रूप में उभरी, ठीक है। मतलब जब ये गोंडवाना लैंड टूटना स्टार्ट हुआ तो उसी के कारण जो था वो तेथिस सागर पे भी दबाव पड़ा और एक हिमालय की श्रेणी में इसने निकलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है हिमालय के उत्थान की ये प्रक्रिया एक बार में संपन्न नहीं हुई, मतलब एक बार में हिमालय नहीं बन गया, ठीक है। अब अलग अलग स्टेजेस रही होंगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बोल रहा है कि प्रथम बलन में क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ, जो पहला स्टेज था वो क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ। उसके बाद जो आपके जो युग थे, ठीक है, तत्पश्चात क्रमशः यूसिन, मायोसिन, प्लेयोसिन एवं प्लाइस्टोशियन युगों में भी ये बलन हुए, ठीक है। मतलब इनका जो था बलन मतलब बनना, ठीक है, अलग अलग युग में ये जो थे वो बने थे। प्रथम चरण में महान हिमालय, हाँ अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चरण में महान हिमालय, दूसरे चरण में लघु हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, और शिवालिक की श्रेणियां जो है वो तीसरी चरण में या तृतीय चरण में उभरी, ठीक है। पहले चरण में महान हिमालय, दूसरे चरण में लघु हिमालय और तीसरे चरण में जो था वो शिवालिक श्रेणियां या जो शिवालिक श्रृंखला बोल सकते हैं, उन सब का निर्माण हुआ, ठीक है। चौथे चरण में इन सभी श्रेणियों का पुनरुत्थान हुआ, मतलब चौथा जो स्टेज आई उसमें इन इन सब का दोबारा से जो था वो इन सब सब का एक बार फिर से पुनर्निर्माण हुआ, जिससे शिवालिक श्रेणियां ऊंची हुई और साथ ही अग्रगर्त, जिसको 4D बोला जाता है, का निर्माण हुआ, अग्रगर्त का निर्माण हुआ, जिसमें अवसाद फटने से सिंधु गंगा बेसिन का निर्माण हुआ। किसमें हुआ था? जो 4D था जिसमें सिंधु बेसिन का निर्माण हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका फोर्थ स्टेज में हुआ था, ठीक है। तो ये हिमालय के बनने की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है, कि कैसे कैसे हिमालय जो था उसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए हिमालय कब और कैसे उपजा, हिमालय कब और कैसे उपजा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
20वीं शताब्दी के 7वें दशक में ही विज्ञानी कहने लगे थे कि भारत की सीमाएं कभी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों से लगती थी। ठीक है, जो 20वीं शताब्दी थी, जो एक मिनट, जो 20वीं शताब्दी थी, ठीक है, उसी में वैज्ञानिकों ने ये बोलना स्टार्ट किया था कि जो भारत की सीमाएं थी वो आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीपों से लगती थी। ठीक है, और ये जो भारत का द्वीप था, इस मतलब ये इन सबको मिलाकर जो द्वीप बना था, उस महाद्वीप का नाम क्या रखा था, क्या इन्होंने उस महाद्वीप के नाम की कल्पना, कल्पित मतलब कल्पना की थी, इमेजिनेशन की थी, वो था आपका गोंडवाना। क्या था? गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक है, मतलब भारत हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, जो इन सब की जो सीमाएं टच होती थी, उस द्वीप का नाम जो इन्होंने कल्पित किया था वो किया था गोंडवाना। ठीक है, इस नाम का आधार आधुनिक मध्य प्रदेश के गोंडजन है। गोंडजन जो मध्य प्रदेश की प्रजाति है वो इसी द्वीप का या इसी नाम का, जो गोंडवाना नाम है उसी का आधार है। मतलब इनके नाम से हमें पता चलता है कि भाई हाँ, ये जो था, सॉरी पता नहीं चलता है, मतलब इनके नाम पर जो था वो इस द्वीप का नाम रखा था, गोंडजन प्रजाति प्रजाति के आधार पर। ठीक है, अगली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय का जन्म आधुनिक लद्दाख के लाटो नामक स्थान पर हुआ। जो आजकल आधुनिक लद्दाख, जो आधुनिक मतलब मॉडर्न लद्दाख, मतलब आज के प्रेजेंट समय की बात हो रही है, जो लाटो नामक स्थान है वहां पे जो था हिमालय का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है, तेथिस सागर के लुप्त होते दो महाद्वीपों एशिया और भारत की टकराहट के आंखों दिखते प्रमाण हिमाचल के स्पीति, किन्नौर और रामपुर में मिलते हैं। ठीक है, मतलब तेथिस सागर कैसे लुप्त हुआ, ठीक है, और दो महाद्वीप एशिया और भारत की टकराहट मतलब आपसी टक्कर के जो अगर आपको प्रमाण देखने हैं तो वो कहाँ पे मिलेंगे, स्पीति, किन्नौर और रामपुर में मिलते हैं। ठीक है, अगली बात, पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य हुआ है। ठीक है, पंजाब हिमालय और पश्चिमी हिमालय, जो पंजाब हिमालय और पश्चिमी मतलब एक ही बात है, पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय, एक एक ही नाम है ये। ठीक है, या तो पंजाब हिमालय बोलो या तो पश्चिमी हिमालय बोलो, तो इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य हुआ है। ठीक है, इस भाग में महान हिमालय, जांस्कर श्रेणी तथा लघु हिमालय जैसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं कि मध्य कश्मीर घाटी मिलती है। कौन, इसी इसी हिमालय की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जो था वो कश्मीर घाटी, इनके बीच में जो जांस्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी है, इनके बीच में जो है वो कश्मीर घाटी मिलती है। ठीक है, अगला है, महान हिमालय एक अनवरत श्रेणी है जिसे नागा पर्वत पश्चिम हिमालय का जिसमें नागा पर्वत पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8176 मीटर। महान हिमालय एक अनवरत श्रेणी है जिसमें नागा पर्वत, जो नागा पर्वत जो पश्चिमी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। और जो नागा पर्वत है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8176 मीटर बताई गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली। अब ये तो होगी थोड़ी सी हिमालय की बात। ठीक है, अगला है, हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें हिमालय में, तो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है वो 33 डिग्री 22 से लेकर 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 47 से लेकर 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसकी पूर्वी दिशा में स्थित है। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान से देखिएगा। इसकी पूर्वी, किसकी, हिमाचल की बात हो रही है। ठीक है, इसकी पूर्वी दिशा में तिब्बत देश है, उत्तर में चिनार प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक है, दक्षिण दक्षिण में आपका उत्तराखंड है। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या है, उत्तराखंड है, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है। ठीक है, और दक्षिण में आपका हरियाणा है और पश्चिम में आपका पंजाब है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखना, पूरब में आ गया आपका, पूरब क्या, ईस्ट में आ गया आपका, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, डायरेक्शंस है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये क्या है, आपका साउथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पूरब में जो है वो आपका क्या है, तिब्बत है, इसमें क्या है, तिब्बत है, हिमाचल के ईस्ट में। ठीक है, और ये जो बोला है उत्तर में, उत्तर में यहाँ पे क्या है, जे एंड के है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में, ये इस वाली एरिया की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, इस वाले एरिया में क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ठीक है,
और यहाँ इस वाले एरिया में जो है दक्षिण में वो आपका हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा आ गया। और साथ ही साथ आपका पश्चिम में जो है वो आपका पंजाब है। तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हिमाचल की बाउंड्री के साथ कौन कौन से एरिया लगते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। एक चलिए ठीक है, ये हो गया। अगला है हिमाचल प्रदेश की चोटियों की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में पाई जाती है। मतलब जो इसकी चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश की, उनकी अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो मिनिमम 350 मीटर है और मैक्सिमम 7000 मीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया अगर देखा जाए तो वो कितना है, 55673 वर्ग किलोमीटर, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। दूसरी अगला पॉइंट है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमाचल प्रदेश जो वो पश्चिमी हिमालय का अंग है, ये भी ध्यान में रखना है, पश्चिमी हिमालय में आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला है, भूगोलकारों के अनुसार 15,000 से 20,000 लाख वर्ष पूर्व किन्नौर, लाहौल स्पीति और चौपाल आदि के क्षेत्र पूरा मध्य सागर के भाग थे, जिसको ठेते सी भी बोला जाता है, ठीक है, 15,000 से 20,000 लाख वर्ष पहले की बात है ये। अगला है, हिमाचल प्रदेश भूमि की अधिकतम लंबाई चंबा, अगर हम इसकी ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफिक एरिया की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई की बात करते हैं तो ये चंबा के उत्तरी पश्चिम कोने से स्टार्ट होकर किन्नौर के दक्षिण पूर्व छोर तक 355 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, वह हिमालय, पहले जो मैंने आपको लंबाई और चौड़ाई बताई वो हिमालय की बताई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की लंबाई जो है वो चंबा के उत्तरी उत्तर पश्चिम से लेकर, चंबा के उत्तर पश्चिम से लेकर किन्नौर के दक्षिण पूर्व छोर तक जो है वो 355 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो वो कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम से लेकर किन्नौर के उत्तर पूर्व तक 270 किलोमीटर है, ठीक है। तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर इसमें बोला जाए तो इसकी जो लंबाई है वो आपकी 355 किलोमीटर है, और अगर चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये आपका 270 किलोमीटर चौड़ा है, कौन, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगला पॉइंट भी आल्सो इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश आकार में केरल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, मिजोरम और पंजाब राज्यों से बड़ा है, 8 राज्यों से ये बड़ा है, ठीक है। किस किस से, ध्यान रखना, केरल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा, मिजोरम और पंजाब, इन सबसे बड़ा है। किस में बड़ा है, आकार में बड़ा है, साइज में बड़ा है, ठीक, अगर इंडिया में बात की जाए तो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे हिमाचल की कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फेमस माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल, ठीक है, हिमाचल की बात करेंगे। बाकी हिमालय मैंने के बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है शिवालिक या लघु हिमालय, ठीक है, शिवालिक और लोअर हिल्स, ठीक है। अब इसमें ये जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें स्किप करने जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। शिवालिक का नाम जो है वो भगवान शिव की, शिव जी से जुड़ा है, जो शिवालिक श्रृंखला है उसका नाम जो है वो शिव जी से जुड़ा है। और शिवालिक का जो अर्थ होता है वो होता है शिव की अलका, अलका यानी शिव की जटाएं, ठीक है। और इसका पुराना नाम जो है वो मैनक पर्वत या मानक पर्वत था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मैनक पर्वत, मैनाक पर्वत और मानक पर्वत, ये किसको बोला जाता है, वो आपका शिवालिक हिमालय को ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली बात, इसकी समुद्र तल से मुख्य ऊंचाई 350 से 1500 मीटर तक उठती है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है, 350 से लेकर 1500 तक जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी, शिवालिक या लघु हिमालय की, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, शिवालिक बोल लो चाहे लघु हिमालय बोल लो, ठीक है। अगला है, इस श्रृंखला में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिला के निचले क्षेत्र नाहन, चंबा, ऊना व कांगड़ा जिला के निचले भाग पड़ते हैं, ठीक है, किस किस के, बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर, मंडी, इनके निचले क्षेत्र, ठीक है, नाहन, चंबा, ऊना और कांगड़ा जिला के निचले भाग इसमें आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये सारे एरिया जो है वो इसमें आते हैं शिवालिक और लघु हिमालय के अंतर्गत। अगली बात है, इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक जो होती है वो औसतन वर्षा मापी गई है। इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध स्थल है पोंटा घाटी, नाहन तहसील, मंडी जिला का जोगिंदर नगर कस्बा, ठीक है, कांगड़ा जिला का कांगड़ा क्षेत्र, नूरपुर, देरा, ज्वाली तथा पालमपुर तहसील,
चंबा जिला का डलहौजी, भटियाचुरा तथा चंबा तहसील इसी एरिया में, इसी उसमें आते हैं, इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, मैंने बोला है कि ये थोड़ा मैं डीप कंटेंट इसमें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है जो कि आपका हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जिसको जितना मटेरियल चाहिए होगा वो इसमें से नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, बाकी पर स्किप करने जैसा कुछ नहीं है अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगली बात, शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी सनकरी तथा शीघ्र टूटने वाले कणों से बनती है, ठीक है, जिसके कारण भूमि कटाव की अधिकता पाई जाती है। मतलब इस रेंज में भूमि कटाव, भूमि जैसे लैंडस्लाइडिंग वगैरह काफ़ी सारे होते रहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार होती है। किस किस की होती है? मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार होती है। ठीक है, चलिए, तो ये शिवालिक और लघु हिमालय के बारे में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है भीतरी या मध्य हिमालय, इनर हिमालय और मिड माउंटेन्स। ठीक है, पहले लघु, फिर भीतरी या मध्य जिसको बोल सकते हैं, फिर आपका बाह्य हिमालय आता है। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। भीतरी हिमालय क्या है? इस श्रृंखला की ऊंचाई समुद्र तल से 1500 मीटर या 4500 फुट से 4500 मीटर या 13500 फुट की है। देखो, अगर बात आए मीटर की तो यह है आपका 1500 मीटर से लेकर 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर, मीटर में 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर में। अगर फुट की बात की जाए तो फुट आता है आपका 4500 से लेकर 13500 फुट फीट। ठीक है, ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर मीटर में आए तो ये है, अगर फीट में आए तो ये है। ठीक है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रृंखलाएं धौलाधार एवं पीर पंजाल है। किस में आती है? ये आपकी इनर हिमालयाज में आती है, मिड माउंटेन में ही आता है। कौन? धौलाधार और पीर पंजाल। तो पहले देखेंगे धौलाधार। धौलाधार क्या है? ये पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास छूटती है। जो बाहरी हिमालय जो इसके बाद हम देखेंगे वहां से अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ के पास जो है वो छूटती है, मतलब निकलती है। ठीक है, उसके बाद सतलुज नदी से रामपुर के पास तथा लारजी नामक स्थान पर ब्यास नदी से काटती है। मतलब सतलुज नदी जो है वो इसे कहाँ पे काटती है? वो काटती है रामपुर में, और लारजी में ब्यास नदी इसको, इस श्रृंखला को काटती है, धौलाधार श्रृंखला को। ठीक है, अगर इसमें नेक्स्ट देखा जाए, ये श्रृंखला जिला शिमला, कुल्लू, कांगड़ा होते हुए चंबा के दक्षिणी पश्चिम तक जाती है। ठीक है, कहाँ से? शिमला, कुल्लू, कांगड़ा से होते हुए चंबा के दक्षिण पश्चिम तक जाती है, जहाँ इसे राबी नदी काटती है। ठीक है, मतलब जो आपकी धौलाधार श्रृंखला है उसके अंतर्गत तीन नदियाँ आती है, सतलुज नदी, ठीक है, ब्यास नदी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी की सारी। ठीक है, सतलुज नदी इसे रामपुर के पास काटती है, और ब्यास नदी जो है इसे लारजी नामक स्थान पर काटती है, और राबी नदी जो है वो इसको चंबा में ही काटती है, चंबा के दक्षिण पश्चिम एरिया में काटती है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है वो 3050 से लेकर 4570 मीटर तक है। किसकी? धौलाधार की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो ऊंचाई है वो मैंने आपको मिड माउंटेन के बारे में बताई है। ठीक है, और अगर धौलाधार की बात करें, क्योंकि धौलाधार जो श्रृंखला है वो इसी के अंतर आती है, इसी के अंतर्गत आती है, इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्फ से ढके रहने के कारण इसे श्वेत श्रृंखला या श्वेत मकट का नाम भी दिया जाता है। किसको? धौलाधार को। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? श्वेत श्रृंखला और श्वेत मटक, ये भी ध्यान में रखना है, श्वेत मटक और श्वेत श्रृंखला। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहाँ राबी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। ठीक है, जो राबी नदी है जो चंबा में बहती है वो कहाँ, हिमाचल प्रदेश को कहाँ पे छोड़ती है? खेड़ी में। जहाँ राबी नदी इसको छोड़ती है वहां से ये श्रृंखला जो है वो स्टार्ट होती है, धौलाधार श्रृंखला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल जो है इसके बारे में देख लेते हैं, ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल है, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से सतलुज के किनारे के नज़दीक से फटकर एक और चिनाब और दूसरी और राबी तथा ब्यास नदी नदी की जल धाराओं के बीच बंटवारे का काम करती है। बोलने का मतलब है कि ये बाहरी हिमालय से निकलकर किस किस के बीच में? चिनाब और राबी और ब्यास, इन सब की जल धारा, मतलब इनके जो वाटर फ्लो होता है उनके बीच बंटवारे का काम, मतलब इनको अलग अलग करती है। ठीक है, जो पीर पंजाल श्रृंखला है, ध्यान रखना। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी जो ऊंचाई है वो मुख्यतः 3960 से लेकर
5470 मीटर तक है, ठीक है। ऊंचाई सबकी ध्यान में रखना क्योंकि ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमाचल में ये श्रृंखला सतलुज की घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती है और पश्चिमी और कांगड़ा की उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। सतलुज घाटी से निकलती है, सतलुज घाटी से उठकर कुल्लू क्षेत्र को स्पीति क्षेत्र से अलग करती है, मतलब कुल्लू और स्पीति को अलग करने का काम भी कौन करता है, पीर पंचाल करता है, और पश्चिम की और कांगड़ा की और की उत्तरी सीमा बनाती है, ठीक है। जो कांगड़ा का नॉर्थ एरिया है, ठीक है, अलग करती हुई पश्चिमी की और कांगड़ा की उत्तरी सीमा बनाती है, जो और चंबा में जा निकलती है, ठीक है, चंबा में ये जा निकलती है। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला में अवस्थित प्रमुख स्थल है, ठीक है, कुछ एक स्थल जो इसमें आते हैं, एरिया आते हैं, जैसे सिरमौर के पछाद व रेणुका तहसील, ठीक है, मंडी के आगे चिच्योट और करसोग तहसील, कांगड़ा का कांगड़ा और पालमपुर तहसील, ठीक है, शिमला का आ गया, शिमला पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है, और चंबा की चुरा तहसील के ऊपरी भाग भी इसी श्रृंखला में आते हैं। अगर बात करें शिमला के दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी चूड़धार, चूड़धार चोटी कहाँ है, शिमला में है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3647 मीटर, जिसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, चूड़ चांदनी के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, चूड़धार चोटी को, ठीक है। वो भी इसी श्रृंखला में आती है, किस श्रृंखला में आती है, पीर पंजाल में ही आती है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल के बारे में है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी अच्छे से समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे, जो कि आपका ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ साथ चलती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मुख्यतः 5000 से 6000 मीटर तक है। कितनी है, 5000 से लेकर 6000 तक ऊंचाई सबकी ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये स्पीति के जल निस्सारण को ब्यास के जल निस्सारण से अलग करता है, मतलब जो स्पीति का वाटर फ्लो है, जो स्पीति नदी है, ठीक है, उसको ब्यास के जल निस्सारण से अलग करते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों नदियों को अलग करता है, करती है कौन, ये जो आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इस क्षेत्र का मौसम तथा मिट्टी सूखे फलों व फसलों के लिए उपयोगी है, सूखे फलों व फसलों के लिए मौसम और मिट्टी दोनों जो है वो उपयोगी है, किसके, बृहद हिमालय के, ठीक है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्रे हैं साच दर्रा, चिन्नी दर्रा, छविया दर्रा और कगटी दर्रा, ठीक है। चंबा जिले में कुगती दर्रा है, कगटी नहीं होगा ये, कुगती होगा, कुगती दर्रा जो कि चंबा जिला में है, रोहतांग दर्रा, कुंजम, ये सारे के सारे चंबा जिला के दर्रे, साच, चिन्नी चिन्नी, छबिया और कुकती दर्रा, रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा तथा बारालाचा दर्रा किन्नौर जिले के, ठीक है, हमता दर्रा, चंदर खेरनी दर्रा लाहौल स्पीति के, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो इसी रेंज में आते हैं, ठीक है, इसी जोन में आते हैं। सुप्रसिद्ध जांस्कर श्रृंखला इसी क्षेत्र में पड़ती है, जो जांस्कर श्रृंखला है वो इसी उसमें आती है, इसी जोन में आती है, ठीक है। अगली बात, ये प्रदेश कि अंतिम और पूर्वतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, मतलब ये जो है वो हिमाचल की लास्ट है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो स्पीति किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है, किस किस को, स्पीति किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है, और सतलुज नदी से शिपकी के पास काटती है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इन सबको, ठीक है। अगला है, प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला और जांस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच किन्नर कैलाश चोटी, जिसकी ऊंचाई 6500 मीटर है, किसकी, किन्नर कैलाश चोटी की, ठीक है, स्थित है। इस श्रृंखला की सभी चोटियां 6000 मीटर से ऊंची है, ठीक है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7025, तथा रिबो फरगयोल 6791 मीटर इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं, इसी पर्वत श्रृंखला में आते हैं। तो ये कुछ एक चोटियां हैं, ठीक है, उनके साथ साथ में क्या है, ऊंचाई भी दी हुई है, वो सारे के सारे इसी रेंजेस में आते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, इसके आगे की जो क्लास है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।